नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे डबल एंगल के डबल चैम्फर वाला जो प्रोग्राम है उसको अगर आप बनाना है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा अगर आप जो है इसके सही तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऑटोकैड 2024 के अंदर। यहाँ पर देखिए मैं सिंपल टेक्निक बताऊंगा, ये टेक्निक आपको जो है सभी ड्राइंग्स में लगा सकते हैं अगर आपको जो है डबल चैम्फर मिल जाता है या अलग अलग एंगल के जो है चैम्फर आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले तो जो है हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि क्या हम टेक्निक लगाने वाले हैं। ठीक है, 65 डाया का जो है ये कंपोनेंट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है और इसमें बोर है 35 mm का और स्टार्टिंग में जो है ये चैम्फर लगा हुआ है, एक चैम्फर ये लगा हुआ है और ये चैम्फर लगा है। अब इनके बीच का एंगल देख लीजिए, ये इस साइड से जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये यहां से जो है 10 डिग्री का चैम्फर जो है ये बना रहा है। ठीक है, तो 10 डिग्री का चैम्फर ये है, 30 डिग्री का चैम्फर है और ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट की वो हमें नहीं पता है। अब आप कैसे ये पॉइंट डिसाइड करेंगे, देखिए ये जब पॉइंट नहीं दिया होगा आपको, यहां पे तो दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं दिया हुआ तो आप कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है एक टेक्निक लगानी पड़ेगी, वो टेक्निक मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आपको सिंपली स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले तो देखो आपको 65 का जो है ये यहां पर इसके साइड में ये ड्रॉ कर लीजिए, 65 एंटर। ठीक है, और यहां पर जो है आप 50 एंटर। ठीक है, आप एक साइड का बनाइए और उसको जो है मिरर कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये साइड आपने बना ली, अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये कितनी वैल्यू है। तो यहां पर देखो एक चीज आपको दी हुई है कि ये जो है 5 mm जो है यहां से इस साइज से ये डिस्टेंस आपकी 5 mm है। ठीक है, और यहां से ये 15 mm है। तो जब ऐसी कोई वैल्यू दी हो तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑफसेट कमांड का यूज करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूं ऑफसेट कमांड का कैसे यूज करना है। आपको ऑफसेट लीजिए और सबसे पहले जो डिस्टेंस दे रखी है 5, ठीक है, तो 5 आप यहां पर टाइप करिए एंटर। अब 5 कहां से दिया हुआ है, यहां से अंदर की तरफ ले लीजिए, ये 5 पे आ गया। ठीक, और फिर दोबारा से आप ऑफसेट ले लीजिए, उसके बाद वैल्यू डालिए 15 और 15 को जो है आप यहां से करिए, देखिए यहां से क्लिक करिए और अंदर की तरफ ले लीजिए। ठीक, तो आपको एक तो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, यहां से, और एक ये पॉइंट मिल गया, यहां से आपका बन रहा है 30 डिग्री का एंगल और यहां से बन रहा है आपका 10 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है, आप देखो ट्रिम कर लो, ट्रिम कमांड ले लो और इसको जो है पहले तो इरेज कर लो, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक चीज आपको करनी है, यहां पर टेक्निक जो लगेगी, एक लाइन खींच लो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस की, ताकि जो है इस डिस्टेंस के बीच से थोड़ी सी ज्यादा ले लो, इतनी ले लो। ठीक है, एक लाइन खींच ली और यहां से भी एक लाइन ऐसी खींच ली थोड़ी बड़ी। ठीक है, अब करना क्या है, इसको आप रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दो कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और इसको रोटेट कर दो 10 डिग्री पे। ठीक है, अब देखना क्या, ध्यान क्या देना, एक चीज समझ लो, पहले इसको हम 30 डिग्री रोटेट करते हैं, रोटेट कमांड लीजिए, इसका बेस पॉइंट डिसाइड कर दीजिए, ठीक है, और एंगल यहां पर डाल दीजिए 30 एंटर। ठीक है, ये 30 डिग्री आपने रोटेट कर दिया क्योंकि यहां से एंगल ऐसे चलता है। अब इसको 10 डिग्री इधर चाहिए, तो 10 डिग्री जब नीचे आएगा तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एंगल नीचे की तरफ आएगा ना तो आपको माइनस साइन लगाना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, इसको रोटेट कमांड लेते हैं और बेस पॉइंट ये लेंगे इस पॉइंट से और -10 एंटर, तो 10 डिग्री आपका जो है नीचे की तरफ झुक गया। ठीक है, अब इसको ट्रिम कर लो, ये जो लाइन है इसको ट्रिम कर लो, यही चीज हमको चाहिए थी। ठीक है, इसको डिलीट मार दो। अब एंगल अगर मेजर करना है तो चेक कर लेते हैं, एक लाइन यहां खींच दी, एक लाइन ऐसी खींच दी, अब इनके बीच का एंगल निकाल लो पहले, ताकि जो है आपको कंफ्यूजन आ रहे, इसके और इसके बीच का एंगल आपने ये रहा 30 डिग्री, इसके और इसके बीच का एंगल 10 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ आपको, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मिल गया,
कि ये 30 डिग्री पे जाके ये कट करेगा, यहाँ पर 10 डिग्री पे कट करेगा, और जहां पर ये कट करेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो मैं बताता हूं। ये तो बन गया आपका, इसको जो है मिरर कर दो, ठीक है, मिरर कमांड, इसके सेंटर पे लो, इसका सेंटर पॉइंट देखो ये आ गया, यहां से ये बन गया, ठीक है। अब ये इधर से इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, ठीक है, इसको इरेज कर दो और इसको इरेज कर दो। अब यहां देखो एक चीज, आपको ये पॉइंट तो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, लेकिन इस पॉइंट की जो है वैल्यू आपको नहीं पता। तो आप क्या करो, इस पॉइंट पे देखो, अब आप ऐसे निकाल सकते हो, यहां से लो लीनियर, ये कहां पे निकला, यहां से ये निकल रहा है, इसकी डिस्टेंस आ रही है 1.51, ठीक है, और डायामीटर क्या निकलेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डायामीटर निकलेगा आपका ये 39.76। तो यही वैल्यू चाहिए होती है सीएनसी प्रोग्राम के लिए कि भाई हम जो है कटर को कहां तक लाएं, इस पॉइंट तक लाएं, फिर ये वाला पॉइंट तो आपको दिया हुआ है लेकिन ये पॉइंट नहीं दिया है। तो टूल को आपको पहले यहां इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो आप टूल को यहां लाएंगे फिर यहां लाएंगे, तो आप इस तरीके से जो है इसका प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब हैच कमांड ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं आपको कैसे इसको बनाना है, ठीक है। अब डायमेंशन शो कर देते हैं ताकि जो है पता चल जाए कि ये बिल्कुल हमने एग्जैक्ट बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आ गया 15.5, ठीक है, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वही निकल के आएगी जो आपने यहां पर दी हुई थी, ठीक है। तो ड्राइंग में आप जो है ये इजीली निकाल सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जो है डबल एंगल, डबल चैम्फर, अलग अलग एंगल के दिए हो, ट्रिपल एंगल भी दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी ड्राइंग रहती है तो वो आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।